भारत मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही साथ देश के उन क्षेत्रों पर भी अपना फोकस बनाए हुए है जो देश के हितों में सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे कि हाल के वर्षों में चीन ने सीमा पर सड़कों, पुलों, रेलवे नेटवर्क और एयरफील्ड के निर्माण में बड़ी तेजी लाई है और ऐसा वो लगातार करने में लगा हुआ है, जिसका जवाब अब भारत बखूबी देने में लगा है। और इसी कड़ी में भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट के लिए 27,349 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। और इस फ्रंटियर हाईवे से अरुणाचल में तिब्बत से लगी सीमा पर सड़क संपर्क बेहतर होगा। जैसे कि इसके नाम में ही पता चलता है कि सड़क वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC या चीन के साथ सीमा के करीब चलेगी। और यहाँ जब भी आप तिब्बत का नाम सुनेंगे समझ लीजिए भारत सही रास्ते पर है। वहीं मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 11 अक्टूबर को एक ट्वीट में कहा है कि केंद्र द्वारा स्वीकृत फंड का इस्तेमाल 1465 किलोमीटर लंबे फ्रंटियर हाईवे को 2 लेन का बनाने के लिए किया जाएगा। वहीं ये डेवलपमेंट ऐसे समय में हुआ है जब चीन ने तिब्बत में भारत के साथ लगती सीमा पर 600 से अधिक सीमा रक्षा गांव का निर्माण किया है और इसी को टैकल करने के लिए अरुणाचल सरकार और सेना की मदद से सीमावर्ती क्षेत्रों में तिब्बत के साथ सीमा पर गांव का निर्माण भी किया जा रहा है। और अब भारत बॉर्डर विलेज इनिशिएटिव के साथ आगे बढ़ रहा है ताकि चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जा सके। और बता दें कि ये सड़क रक्षा के लिहाज से भी एक रणनीतिक सड़क है, मतलब यहाँ भारत अब तेजी से सड़कों का जाल बुनने में लगा हुआ है जो चीन को उसी की चालों में उलझाने का बड़ा काम करेगा।